हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, and be flexible, be flexible. देखो एक बहुत important point, कुछ लोग ये समझते हैं चलते रहने का मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं भी मिल रहा तब भी उसको करते चले जाएं उसी तरीके से. ये नहीं है, मैं कह रहा हूं काम करो. आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे बिजनेस ही करना है, बिजनेस करो, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही किसी अलग तरीके से करो, फिर किसी अलग तरीके से करो, फिर थोड़ा अलग तरीके से करो. बी फ्लेक्सिबल. देखो जिस भी चीज में इस दुनिया में लाइफ है वो फ्लेक्सिबल है. देखने में स्टिप लगेगी लेकिन वो फ्लेक्सिबल है. पेड़ से लेकर के इंसान से लेकर के किसी भी जानवर को देख लो, किसी भी पौधे को देख लो, कुछ भी देख लो, फ्लेक्सिबल है. यहां से वहां से वहां से जिसमें लाइफ नहीं है वो फ्लेक्सिबल नहीं है. बी फ्लेक्सिबल. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है. यहां पर इमेजिन करो कि दो बाउल पड़े हुए हैं और दोनों के अंदर हम पानी को उबालते हैं अच्छे से 20 मिनट तक. पूरा खौलने लग जाता है पानी दोनों तरफ से. इधर ले जा करके हम एक आलू को डाल देते हैं पानी के अंदर और थोड़ी देर बाद बाहर निकालते हैं. क्या होगा? आलू जब गया था, नहीं गर्म तो होगा ही, गर्म पानी में गया तो गर्म हो जाएगा, बट साथ में क्या होगा कि जब आलू गया तब तक बहुत स्ट्रांग था. उसको आप ठंडे पानी में रखो तो स्ट्रांग है, मतलब पॉजिटिव सिचुएशंस में रखो जब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा वो चाहता है तो बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल हार्ड है. जैसे ही ऐसी जगह पे गया जहां एडवर्स सिचुएशन है, जहां प्रॉब्लम है, वहां पर खत्म हो गया. उसको बाहर निकालो, कचूमर बन जाएगा उसका, भरता बन जाएगा आलू का, बुरी हालत. ऐसे ही होगा, उसको बाहर निकालोगे. दूसरी तरफ एक तरफ पानी खोल रहा है उसमें ले जा करके आप एक चम्मच चीनी को डाल दो, क्या होगा? और उसके 10 मिनट बाद आप चीनी को निकालने की कोशिश करो, नहीं, चीनी ने क्या किया, उस खराब सिचुएशन में आलू गया स्ट्रांग गया और वीक बन के बाहर आ गया. चीनी ने क्या किया, एक खराब सिचुएशन में अंदर गई, चाहे अच्छी सिचुएशन में गई, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया. चाहे आप सक्सेस में डालो चाहे फेलियर में डालो, दोनों को सक्सेस बना देगी. पानी में से आप चीनी को निकाल नहीं सकते, फिर वो पानी नहीं रहा, वो चाशनी बन गया, वो चीनी ही बन गया, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया. तो बनना है तो ऐसे बनो. इस बात को ना हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते. हम अपनी बॉडी के लिए सुबह से रात तक पता नहीं क्या क्या करते. सब लोग करते हैं. सो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं अपनी बॉडी के लिए सुबह से रात तक, बॉडी को फीड करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए. अपने माइंड के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते. और माइंड ही बॉडी को कंट्रोल करता है. जो आपको मेरी एनर्जी दिख रही है वो मेरी एनर्जी है, इस बॉडी की एनर्जी नहीं है, इस माइंड की एनर्जी है. ये माइंड के अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है. अब माइंड के लिए क्या करते हो? क्योंकि अगर माइंड ट्रैक पे होगा तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो कोई भी कुछ भी कर सकता है. मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा था और इस बात को ध्यान से समझना कि हम लोगों का, इंसानों का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि हम इनएडिक्वेट हैं, कि हमारे अंदर कोई कमी है. सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम, वी आर ऑल पावरफुल बियॉन्ड मेजर. मतलब हमारे अंदर ये डीपेस्ट फियर है. आई एम टॉकिंग अबाउट द डीपेस्ट फियर साइकोलॉजिकली. अगर आप अंदर 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 जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा डर हमारा ये है कि हमारे में इतनी पावर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि हम में से कोई भी एक इंसान यहां पर अगर वो चाहे तो पूरी पूरी दुनिया को हिला सकता है, कुछ भी कर सकता है. वही डर हमको रोकता है आगे बढ़ने से और उसकी वजह से हम इधर उधर अपने माइंड को भटका देते हैं. तो क्या करना है अपने माइंड के लिए? मैं क्या करता हूँ, वन इज आई मेडिटेट डेली, मेडिटेशन करता हूँ जिससे माइंड ट्रैक पे रहे. मेरे लिए नहाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी अगर टाइम नहीं होता तो नहाता नहीं, आज नहा के आया हूँ. तो मैं नहाता नहीं हूँ चलेगा, लेकिन मेडिटेशन जरूर करता हूँ, चाहे 5 मिनट के लिए करूं चाहे 2 घंटे के लिए करूं, लेकिन करता जरूर हूं. 1, 2, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ता जरूर हूं एक दिन में, चाहे 5 मिनट के लिए पढ़ूं चाहे 1 घंटे के लिए पढ़ूं. अच्छे का मतलब न्यूज़पेपर नहीं है, ये आई थिंक यहां पे सबको पता होगा. अच्छे का मतलब टीवी पे महाभारत देखना नहीं है. अच्छे का मतलब है कुछ भी ऐसा जिससे जो मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो, जो मैल जम गया है माइंड के ऊपर, जैसे बॉडी के ऊपर मैल निकालते हैं ना रोज, वो जो मैल जम गया है थोड़ा सा, और जमता ही है सबके ऊपर, मेरे अंदर भी आएगा कहीं ना कहीं, है ना. तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक हो जाता है. कुछ थोड़ा सा बोल देता हूँ, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं अल्टीमेटली अपने लिए भी कर रहा हूँ ये चीज. क्योंकि अगर मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ या आपको एनर्जी दे रहा हूँ तो मेरी भी तो एनर्जी बढ़ रही है ना. अगर आपको खुशियां बांट रहा हूं किसी भी तरीके से या बांटने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी भी तो खुशी बढ़ रही है ना.
मैं भी तो अंदर से पीसफुल होता जा रहा हूँ. अगर मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा हो सोसाइटी में तो मेरी भी तो लाइफ में अच्छा हो रहा है ना. सो दैट इज दीज आर दोस थ्री वेज. एक मेडिटेशन, दूसरा बुक्स, तीसरा कुछ अच्छी बातें करना. और अच्छी बातें सिर्फ यहाँ पे नहीं कि अगर मैं सेशन में आया हूँ तो यहाँ पे अच्छी बातें करूंगा, अगर मैं ऑफिस में हूँ वहां भी अच्छी बातें करूंगा, घर में हूँ वहां पर भी अच्छी बातें करूंगा. बुरी बातें भी होती है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूँ. प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन नहीं है तो अच्छी बातें करो. उस एस्पेक्ट की पॉजिटिव साइड देखो. कम ड्यूरेशन में ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? कम मतलब कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में, कितनी कम ड्यूरेशन में? कुछ दिनों में. ये कुछ दिनों का काम नहीं है, ये पूरी जिंदगी का काम है. जो ऑब्जर्वेशन है उसी का तो सारा खेल है. एक जगह पर अगर आपको फोकस करना आ गया तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? सोचो. ये जो चीज है ऑब्जर्वेशन पावर्स को स्ट्रांग करने की, ये पूरी जिंदगी की है, 24 घंटे की है. ये नहीं है कि हम 5 मिनट के लिए कहीं बैठ गए और अपनी चेस खेला और सोचा कि हमारी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी. जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा. फॉर एग्जाम्पल, कोई लेडी है जो घर में खाना बना रही है अपनी फैमिली के लिए, तो वो क्या सोचेगी? फटाफट से मैं जल्दी जल्दी खाना बना दूं, अपना काम खत्म करूं और आगे बढ़ूं, अपना जा करके टीवी में सीरियल्स देखूं, सास बहू के सीरियल्स आने वाले हैं वो देखूं, आज देखूं क्या होने वाला है उस सीरियल के अंदर. ऐसे ही होता है, माइंड इसी तरीके से काम करता है. तो अगर उस लेडी को अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाना है तो उसको क्या करना है कि जब वो खाना बना रही है तो उस काम में अपना पूरा का पूरा प्यार डाल दे, उस खाने बनाने के छोटे से काम को ध्यान से करे. ये आदत का खेल है सारा, कि जिस इंसान की आदत है ना एक काम को बारीकी से करने की, वो छोटे से छोटा काम भी करेगा परफेक्शन के साथ करेगा. जिसकी आदत हो गई है फटाफट से बस काम करके मैं खत्म करूं, वो अंदर डीप में जाएगा ही नहीं, परफेक्शन की हदों को पार करेगा ही नहीं. तो आदत क्या है? कोई भी काम लाइफ में ये दिन में 5 मिनट या 10 मिनट करने का नहीं है, 24 घंटे जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ वो ही काम कर रहे हैं. पूरे अपने ध्यान को सब तरफ से हटा करके उस काम में ले आए. जब पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं, उस टाइम के लिए घर पे मोबाइल को छोड़ करके आ गए, तो क्या कर रहे हैं? चलने पे ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं आसपास में क्या है. बुद्ध से जाकर के किसी ने पूछा कि मुझे एनलाइटेंड होना है, मैं क्या करूं, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं? उन्होंने बड़ी सिंपल सी चीज कही, देखने के टाइम पे देखना है, सुनने के टाइम पे सुनना है, सूंघने के टाइम पे सूंघना है, बोलने के टाइम पे सिर्फ बोलना है, और जब कुछ फील कर रहे हैं, जैसे अभी दो उंगलियां टच हुई तो जो फीलिंग हुई, फीलिंग के टाइम पे सिर्फ फील करना है, सिर्फ फील करना है. तो अगर इन चीजों को हम फील करने लग गए, एक एक काम को बारीकी से करने लग गए, तो ऑटोमेटिकली जो भी हम काम कर रहे हैं, हम जिस भी लाइन में हैं, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये हो, वो, कुछ भी हो, आप उस काम को भी इंजॉय कर करके करोगे, आप उस काम को ध्यान से करोगे, आप उस काम को प्यार से करोगे. और जितना उस काम में प्यार जाता चला जाएगा, आपका ध्यान जाता चला जाएगा, आप उतना ही एक्सीलेंस की हदों को पार करते चले जाओगे. यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर. सिंपल. याद रखिए. लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात क्या करी जा रही है? वांट. मुझे चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए. चाहिए से कुछ नहीं होने वाला, सबको चाहिए. किसको नहीं चाहिए? तो वो ही मिलेगा जो आप हो, वो नहीं जो आप चाहते हो. दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, एक बीज है आपके हाथ में, सपोज आम का बीज है, और आप बोलते रहते हो कि यार एप्पल का पेड़ लग जाए, एप्पल का पेड़ लग जाए, मैं सेब आएगा, मैं सेब खाऊंगा. विजुलाइज कर रहे हो आप बैठ करके डेली, एप्पल को, सेब आएगा, हाँ मीठा होगा, लाल होगा, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, तोड़ूंगा, पेड़ लगेगा, मेरे बच्चे वहां पे ऊपर खेल रहे होंगे, झूले झूले. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो क्या होगा? सब बेकार है, सब बेकार है. क्या कभी लगेगा एप्पल का पेड़? नहीं लगेगा. तो सबसे पहले आपको डिस्कवर करना होगा कि आप हो कौन. Who are you? Because you will get what you are, not what you want. तो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को डिस्कवर करना कि मैं हूं कौन. आप एक क्रिकेटर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप हो कौन भाई? एक अंदर से क्रिकेटर है, बाहर वो म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा?
मजाक होगा और क्या होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्कवर कर लिया कि मेरे अंदर एक क्रिकेटर छुपा हुआ है, तो डेली आपको क्या करना पड़ेगा, 4 घंटे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे आज व्हाटएवर या 10 साल बाद मुझे 10 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, नहीं आने वाले। आज मुझे ये करना है, इतने कमाने हैं, इतने कमाने हैं, नहीं आने वाले। गोल क्या होना चाहिए, आज मुझे 3 घंटा क्रिकेट खेलना है। खेलो, अपने आप आएंगे 10 लाख, 10 लाख क्या 10 करोड़ भी आएंगे, 100 करोड़ भी आएंगे।